गाइस वेलकम टू फूड फन एंड फैक्ट्स विद वर्षा इन हिंदी। आज हम बनाने जा रहे हैं पंचमेल दाल, जो राजस्थान की काफ़ी प्रसिद्ध है, जो पांच दालों को मिलाकर बनाई जाती है। बहुत ही टेस्टी न्यूट्रिशियस होती है और इस जिस तरह से हम बनाएंगे वो एकदम ढाबे जैसा फ्लेवर लाएगा, बहुत ही टेस्टी होती है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ मैंने पाँच तरीके की दाल ली है, सब इक्वल प्रोपोर्शन में। उड़द के छिलके वाली, मसूर की, तुअर की, मूंग की छिलके वाली दाल और चने की दाल। इसके अलावा मैंने गरम मसाला लिया है, खड़ा गरम मसाला, तेजपान, लाल मिर्च, लौंग, काली मिर्च और जीरा। इसके अलावा मैंने प्याज कटा हुआ लिया है, छोटा सा प्याज है, या फिर अगर बड़ा हो तो आधा प्याज ले सकते हैं। थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा मैंने अदरक का है जो बारीक काट लिया है, लहसुन काट ली है बारीक, हरी मिर्च, कटा हुआ हरा धनिया, यहाँ मैंने दो मीडियम साइज टमाटर लिए हैं, घी लिया है फाइनल तड़के के लिए और तेल भी लिया है, तेल जो मैं बाकी के मसाला फ्राई करने के लिए, और सूखे मसालों में मैंने हल्दी, नमक, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर और हींग ली है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पांचों दालों को मिक्स करेंगे एक कटोरे में, इसे अच्छे से धो लेंगे और करीब आधा घंटा भिगोने के बाद इसे हम प्रेशर कुक करेंगे। दाल हमने बॉईल करने के लिए लगा दी है, जब तक दाल बॉईल होके रेडी होती है तब तक हम तड़के पे तैयारी करते हैं। एक बड़े पैन में मैं पहले तेल डालूंगी, आप चाहे तो यहाँ भी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर घी मैं फाइनल तड़के के लिए ही यूज़ करूँगी। अब मैं इसमें जीरा डाल दूँगी, खड़े गरम मसाले डाल दूंगी, और अब यहाँ मैंने थोड़ा जीरा और ये दो लाल मिर्ची है ये मैंने बचा के रखी है, ये हम फाइनल तड़के में यूज़ करेंगे। अब मैं इसी में हींग डाल दूंगी, ये पूरा मिक्सचर थोड़ा थोड़ा फ्राई होने लगा है, इसी टाइम पे हम प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च डाल देंगे। इसे ब्राउन होने तक पकने देंगे। देखिए ये मिक्सचर थोड़ा हल्का ब्राउन होने लगा है, इस टाइम पे हम गैस थोड़ी सिम कर देंगे और इसमें सूखे मसाले डाल देंगे। यहाँ मैं थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देती हूँ, जितना आप तीखा खाना चाहें। थोड़ी हम फिर से घी के तड़के में डालने वाले हैं, इसमें मैं हल्दी पाउडर भी डाल रही हूँ। हल्दी पाउडर मैंने दाल उबालते वक्त भी डाली थी। इसके अलावा नमक स्वादानुसार डाल देंगे, दाल में भी हमने नमक डाला है बॉईल करते वक्त, ध्यान रखें। और इसके अलावा गरम मसाला डाल देंगे और इसे अच्छे से चला लेंगे। जैसा मैंने कहा, गैस को धीमी ही रखेंगे क्योंकि सूखे मसाले जलना नहीं चाहिए। अब इस टाइम पे हम टमाटर और वो जो कटा हुआ हरा धनिया है डाल देंगे, थोड़ा सा बचा के रखती हूँ गार्निशिंग के लिए। और अब इसे पूरे मिक्सचर को पकाएंगे ताकि टमाटर पूरे मैश हो जाए, अच्छे से पक जाए। देखिए ये तड़का हमने लगा दिया था, मैश हो गया है एकदम, पूरा मसाला एकदम अच्छे से पक चुका है। और इधर ये जो हमने दाल प्रेशर कुक की थी, ये दाल हमने इसमें हमने नमक डाला था और हल्दी डाला था और पानी डाला था और इसको 5 सीटी आने तक कुक किया है, उसके बाद ठंडा होने दिया है। क्योंकि मूंग दाल और तूर की दाल तो आसानी से पक जाती है, चने की दाल और उड़द की दाल में टाइम लगता है। तो अब ये दाल का मिक्सचर हम इसमें डाल देते हैं। दाल हमने तड़के में डाल दी है, उसमें एक ग्लास मैंने पानी डाला है, अब इसे उबाल आने तक पकने देंगे। पूरा अच्छे से मिला लेंगे और इसे ढककर हम मीडियम आंच पर उबाल आने तक पकने देंगे। जब तक दाल बॉईल होती है तब तक हम फाइनल तड़का बनाते हैं। इसके लिए मैंने एक छोटी पतीली में घी ले लिया है, घी मेल्ट हो जाए, घी गर्म है ऑलरेडी। इस टाइम पे मैं जीरा और ये लाल मिर्च डाल देती हूँ, इन्हें तड़कने देती हूँ, मिक्स करते
हैं। जब ये अच्छे से तड़कने लगेगा उस टाइम पे हम ये जो सूखी लाल मिर्च का पाउडर है वो इसमें डालेंगे और गैस बंद कर देंगे। जीरा तड़क गया है, इस टाइम पे थोड़ी सी लाल मिर्च और डालेंगे हम इसी मिक्सचर में और इसे भी फ्राई होने देंगे। इससे दाल में कलर बहुत सुंदर आएगा और हम इस गैस को बंद कर देंगे। दाल हमारी उबल गई है, इसके मैं हरा धनिया और रख देती हूँ और ये जो तड़का हमने तैयार किया है ये इसके ऊपर डाल देती हूँ। दाल अब हमारी सर्व करने के लिए रेडी है। राजस्थान की पंचमेल दाल बन के रेडी है। ये बहुत ही फ्लेवरफुल तो होती ही है, साथ में इसमें 5 दालों के अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं तो बच्चों के लिए बड़ों के लिए बहुत ही न्यूट्रिशियस है। और आप ये रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अब अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं आपको मिलती हूँ अगले एपिसोड में। बाय बाय।